थैंक यू। दो लाइनें जो आपने गाने हम टीजर में भी देखते हैं, हम कोई बना रहे हैं गाना गाना वेट कर रहे थे कोई कि रिद्धि हमारे लिए गाना गाना गाया प्लीज। ओके आई विल सिंग द यादों की अलमारी सॉन्ग। योर सॉन्ग गाना नहीं गाती हूं। आप लिपसिंग कर दो। हाँ बिल्कुल चलो। यादों की अलमारी आई विल सिंग। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी, एक फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट बीटल्स वाली, एक च्युइंग गम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी है जुगाली। वू सुपर। थैंक यू ऑसम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। काजोल ने दिल्ली में किया हेलीकॉप्टर ईला का प्रमोशन। बॉलीवुड की बेहतरीन हीरोइनों में से एक काजोल की आगामी फिल्म हेलीकॉप्टर ईला के रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में अपनी इस फिल्म के प्रचार के सिलसिले में काजोल दिल्ली में थी। उनके साथ सह कलाकार रिद्धि सिंह भी उपस्थित थे। होटल दी मेरिडियन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में काजोल और रिद्धि दोनों ने मीडिया के साथ बातचीत की। फिल्मी माँ पुत्र की यह जोड़ी फिल्म की कामयाबी को लेकर आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। आनंद गांधी द्वारा लिखे गए गुजराती नाटक बेटा काजोल पर आधारित हेलीकॉप्टर ईला प्रदीप सरकार द्वारा निर्देशित फिल्म है। इसमें काजोल एक महत्वाकांक्षी गायक और एकल मां की मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म की पटकथा मितेश शाह और आनंद गांधी ने लिखी है। अजय देवगन ए फिल्म्स एंड पेन इंडिया लिमिटेड के बैनर के तहत विशेष रूप से प्रदर्शित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में तोता रॉय चौधरी, नेहा धूपिया के अलावा अमिताभ बच्चन, इमरान खान, अमी मलिक, इला अरुण, शान गायक की कैमियो करते नजर आएंगे। वो ऑन कर देना उससे। दो मिनट लगेंगे उसको। हाँ बिल्कुल स्टार्ट कर दी। आप अपने कैरेक्टर के बारे में बात। मेरे कैरेक्टर का नाम है विवान। शी इज प्लेइंग द हेलीकॉप्टर मॉम। तो विवान का मेन प्रॉब्लम अपनी मम्मी से स्पेस इशू, क्योंकि उसकी मम्मी हमेशा झांकती रहती है, टोकती रहती है हर चीज़ों में, मोबाइल चेक करती रहती है। लेकिन विवान का पॉइंट है कि वो अपने मम्मा को देखना नहीं चाहती है, वो ईला को देखना चाहता है, जो एक डेजिग्नेशन बन जाता है किसी की मम्मी बनना या बीवी बनना। सो विवान वॉन्ट्स टू सी द ईला विच इज़ लॉस्ट। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूंगी। जो हमारा टाइटल है हैशटैग हेलीकॉप्टर ईला, वो बेसिकली आजकल सोशल मीडिया पे एक हैशटैग बहुत पॉपुलर हो गया है जिसे कहते हैं हेलीकॉप्टर मॉम्स। और वो माँ होती है जैसे विवान ने कहा, जो मंडराती रहती है, झांकती रहती है, टोकती रहती है, थोड़ी शकी भी है और सोचती है कि हाय मेरा बेटा तो ना, मैंने तो सीख सिखाया, दुनिया पे भरोसा नहीं है मुझे। तो वैसे ही है। और उसे जगह अगर कोई पूछे तो उसको यही लगता है कि मैं जो भी कर रही हूँ प्यार से कर रही हूँ। अगर थप्पड़ मार रही हूँ तो मतलब मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। अगर डब्बा बनवा रही हूँ तो मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ। मतलब जहाँ जो भी कर रही है, जैसे भी कर रही है, उसकी वजह यही है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तो उसकी वजह से आप शायद उसको थोड़ा सा माफ़ भी कर देते हो। रीज़न नंबर वन आप माफ़ कर देते हो क्योंकि आपको पता है वो आपकी माँ नहीं है, वो किसी और की माँ है। अगर थोड़ी ओवर ड्रामा ड्रामेटिक भी है, वो किसी और की माँ है, ठीक है, मेरी माँ तो इतनी ख़राब नहीं है। और नंबर टू है कि आपको लगता है कि आपको पता है कि ये क्यों कर रही है, ये कर रही है क्योंकि आपको पता है कि वो अपने बेटे से बहुत बेहद प्यार करती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं अपने बच्चों के साथ भी कुछ ऐसे ही डील करती हूँ। मुझे लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी होता है सबके साथ डील करने के लिए, लाइफ के साथ डील करने के लिए। आप इतना सीरियसली किसी चीज़ को नहीं ले सकते। और बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यू नो जो भी आप बोलना चाहो उनके साथ, एक अगर आप
हंसी से बोल सको, हंसी यू नो स्माइल के साथ बोल सको, तो जो कहते हैं स्पूनफुल ऑफ शुगर शुगर मेक्स द मेडिसिन गो डाउन बेसिकली. एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न्ड, मैंने हमेशा वही पिक्चरें की हैं जो मुझे लगा है अच्छी हैं, जिसके साथ मैं कुछ अलग कर सकूं, और अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट मिली है तो उसके ऊपर मैं एक अच्छा किरदार बना सकती हूँ. लेकिन एक अच्छे किरदार, सिर्फ एक अच्छे किरदार के साथ मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बना सकूँगी. तो एक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. मैं बहुत लकी हूँ कि इस फिल्म में मुझे दादा मिले हैं, प्रदीप सरकार मिले हैं एज अ डायरेक्टर. ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, बहुत बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं. और रिद्धि, थैंक यू फॉर वर्किंग विथ मी, बिकॉज या इट्स रियली, मेरा बेटा बनने के बाद नेशनल अवार्ड जीता है. मैं बता दूं सबको, अगर आप सोच रहे हैं कि ये नेशनल अवार्ड पहले से था, बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ भी आई थिंक फ्रेंड्स की तरह रहो. और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट ही इज बहुत ही अच्छा लड़का है, और उसके माँ बाप ने भी उसको अच्छी सीख दी हुई है. बदतमीज नहीं है, बेशरम नहीं है, तो नहीं तो काम करना कुछ अलग ही बात होती है उसके साथ. तो अब बड़ा मजा आया पिक्चर बनाते वक्त. थैंक यू सो मच जी. जी I definitely think that as parents we need to be aware of what is happening in the world. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम बहुत ही awareness रखें कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं. ये ज़रूरी है, I think it's important. But I also think it's important, और बच्चों की भी यही मांग है कि आप हमको see us as an individual. I think most children have that problem that parents are not able to see them as individuals, as people who have their own opinions. Hum hamesha sochte hain ye mera beta hai, lekin ye tumhara beta hai, lekin uski khud ki identity hai, uski khud ki soch hai, uska khud ka nazariya hai, jo kafi situations mein maa baap shayad lete nahi hai into consideration. और उनकी प्रॉब्लम यही है. आई थिंक मेरे बच्चे भी कभी कभार मुझसे झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा इसी बात पे होता है शायद कि व्हाई डिडंट यू आस्क मी. तो हम लोग कोशिश करते हैं 90% ऑफ द टाइम उनको पूछने के लिए कि यू नो व्हाट डू यू वांट. एंड एज लॉन्ग एज यू कैन कीप द चैनल ऑफ कॉन्वर्सेशन ओपन. आज की दुनिया बदल गई है, द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सच कि आप रोक नहीं सकते उसको, और आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चे की उम्र पे ये नहीं है कि यू नो कौन सा सफारी का पेज खुल जाएगा. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन जारी रखें, ताकि अगर उनके पास सवाल हो तो वो हमारे पास आए पूछने के लिए कि इसका मतलब क्या है या ये क्या है एग्जैक्टली. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे बेटे ने यू नो सोचा कि ये दिस इज अ बैड वर्ड, बट इट्स देयर इन द डिक्शनरी. ये डिक्शनरी में है तो ये खराब कैसे हुआ? तो अभी मुझे उससे थैंक गॉड कि वो मुझसे आया पूछने के लिए, ताकि मैं उसको समझा सकूं कि ये आपका मतलब जानना चाहता है, क्योंकि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हो वो ज़रूरी है, किस तरह से इस्तेमाल करते हो, किसके ऊपर इस्तेमाल करते हो. ये सब चीज़ें मुझे थैंक गॉड ये कॉन्वर्सेशन हुआ, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि वो मामा चाचा के घर जाएगा और कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेगा और फिर मुझ पर अलग सी डांट पड़ेगी. तो आई थिंक ये ज़रूरी है, ये कॉन्वर्सेशन जो हम अपने बच्चों के साथ, शायद हमारे लिए भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होगा कुछ टॉपिक्स पे बात करना, लेकिन ये ज़रूरी कॉन्वर्सेशंस हैं. और मुझे लगता है एज अ पेरेंट ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि हमें अपने बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो यू नो वी हैव टू डिसेमिनेट दैट इन्फॉर्मेशन फॉर देम. वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि ये आपके उम्र के हिसाब से आपके लिए है नहीं है, ये कब इस्तेमाल होगा, ये आज के ज़माने में शायद आपकी उम्र कम है, आपको लगता है कि आपके लिए है, लेकिन ये आपके लिए अभी के लिए नहीं है, ये बाद में के लिए है. अच्छा है कि आपके पास है ये इन्फॉर्मेशन, बट यू मे बी यू नीड टू यूज़ इट लेटर ऑन इन लाइफ. हाउ मच ऑफ मी, आई थिंक माई पर्सनैलिटी इज़ देयर फॉर श्योर, बट आई थिंक मोस्टली ईला इज़ अ कैरेक्टर, शी इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर. And pretty much what she thinks and what she says, वो जो भी सोच रही है कर रही है,
उसमें थोड़ी सी थोड़ा बहुत तो मैं हूँ, लेकिन आई वुड से 80% ईला ही है. यू नो, मुझे एक चीज़ मेरी माँ ने बचपन में बहुत बहुत ज़रूरी कही थी और उसके ऊपर उसे कायम भी रखा था. बचपन में उसने मुझे सच बताया था कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज बेटर देन क्वांटिटी. एंड आप जितना भी वक्त अपने बच्चों के साथ बिताओ, वेदर इट्स सैटरडे संडे और इट्स 20 मिनट्स एवरी इवनिंग, वो वक्त जो होना चाहिए वो उनके लिए ही होना चाहिए. तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आप उन पर उतना ध्यान दो, उनको उतना अटेंशन दो. अगर वो 20 मिनट दिन के भी होंगे तो भी मुझे लगता है उन पर बहुत फ़र्क पड़ता है. मैं कोई मैसेज नहीं दे रही थी, वो सिर्फ एक लाइन थी जो बहुत फनी सीन हो गया. थैंक यू. दो लाइनें जो आपने हम टीजर में भी देखते हैं, गुनगुना रहे हैं, गाना गा वेट कर रहे थे कोई कि रिद्धि हमारे लिए गाना गाना गाया. प्लीज ओके, आई विल सिंग द यादों की अलमारी सॉन्ग. योर सॉन्ग मैं गाना नहीं गाती हूँ, आप लिपसिंग कर दो. हाँ बिल्कुल, चलो यादों की अलमारी. आई विल सिंग. ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी. एक फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट बीटल्स वाली, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी, है जुगाली. वू सुपर, थैंक यू, ऑसम, थैंक यू सो मच.